गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल बागपत, स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट SST, यूनिट इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 2, पीपल एज रिसोर्स। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, डिफरेंट पीपल वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स। तो आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सभी काम हैं जिनके बदले लोग पैसा कमाते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसे काम हैं जिनसे लोगों की कोई इनकम नहीं होती। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, डिफरेंट पीपल वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग कामों को करते हैं। पीपल गो टू फार्म, जैसे लोग कुछ खेती में काम करते हैं, कुछ फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ बैंक्स में काम करते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में, कुछ स्कूलों में, और इसी तरह से बहुत सारी दूसरी जगहों पर लोग काम करते हैं। ऑल दिस एक्टिविटीज़ डैट गिव इनकम टू द पीपल आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये जितने भी काम लोगों द्वारा किए जाते हैं, इनके बदले लोगों को पैसा मिलता है, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो अर्थव्यवस्था में सामान और सेवाओं के प्रभाव में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू परचेज चॉकलेट फ्रॉम ए शॉपकीपर, टू काइंड्स ऑफ फ्लो टेक प्लेस। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटी से कैसे फ्लो होते हैं। माना हमने किसी दुकानदार से कोई चॉकलेट खरीदी है, तो इसमें दो तरह के फ्लो होंगे। पहला, गुड्स आर फ्लोइंग आउट ऑफ द शॉप टू यू। सबसे पहला फ्लो है, दुकान से सामान आप तक पहुँचेगा। सेकंड, मनी इज़ फ्लोइंग फ्रॉम यू टू द शॉपकीपर। दूसरा, आपके पास जो पैसा है वो आपसे दुकानदार तक पहुँचेगा। एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ए टीचर टीचिंग इन ए क्लास। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। पहला, क्लास में कोई टीचर टीच कर रहा है। ए मैन और ए वुमेन वर्किंग इन ए बैंक, किसी बैंक में कोई आदमी या औरत काम कर रही है। ए फार्मर प्लाउइंग हिज फील्ड, एक किसान अपना खेत जोत रहा है। ए वर्कर वर्किंग इन ए माइन, या कोई मजदूर खान में काम कर रहा है। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। All the economic activities are classified into 3 categories. तो जितनी भी economic activities हैं उन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले primary activities. Primary activities include those occupations which are closely related to man's natural environment. तो सबसे पहले primary activities आती हैं, ये इंसान के प्राकृतिक वातावरण के साथ जुड़ी हुई हैं। इनमें ख़ास तौर से जो काम शामिल किए गए हैं वो है gathering, हंटिंग, फिशिंग, लंबरिंग, ग्रेजिंग, फार्मिंग एंड माइनिंग। ये सब प्राइमरी एक्टिविटी की इम्पोर्टेंट एग्जांपल। इसके बाद आती है सेकेंडरी एक्टिविटी, द ऑक्यूपेशन विच प्रोड्यूस फिनिश गुड बाय यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ एज रॉ मटेरियल आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो वो सारे काम जिसमें हम प्राइमरी एक्टिविटी से मिलने वाले सामानों को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उनसे तैयार माल बनाते हैं, तो वो सारी एक्टिविटी हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में आती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, जैसे कॉटन ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में आ गई, कॉटन को उगाना और इसका इस्तेमाल करके कपड़ा बनाना ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में आ गई। इसी तरह से शुगर फ्रॉम शुगर केन, खेतों में शुगर केन उगाना ये प्राइमरी एक्टिविटी है, और इस शुगर केन्स को मैन्युफैक्चर करके प्रोसेस करके शुगर बनाना ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में आ गई। एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर आर इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी के इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं। थर्ड कैटेगरी है टर्टरी एक्टिविटीज़। टर्टरी एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ ऑल सर्विस ऑक्यूपेशन। टर्टरी एक्टिविटी में सेवाएँ आती हैं, फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विस वी रिक्वायर्ड ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सपोर्ट सर्विस।
प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ टर्टरी एक्टिविटी। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमें दी हैं जो सर्विस सेक्टर में आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, यातायात है, कम्युनिकेशन दूर संचार, ट्रेड व्यापार, हेल्थ स्वास्थ्य, एजुकेशन शिक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, ये सारी एग्जाम्पल टर्टरी एक्टिविटीज़ की हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, द एक्टिविटी विच डू नॉट गिव इनकम इन रिटर्न आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जिन कामों को करने के बदले हमें कोई इनकम ना मिले, कोई पैसा ना मिले, वो सब हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। दे ऑल्सो डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। इतना ही नहीं, ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, इनसे इकोनॉमी में किसी भी तरह के फ्लो, जो फ्लो है गुड्स या सर्विस का, वो नहीं होता। दिज आर ऑल्सो नॉन एज नॉन मार्केट एक्टिविटी एज दिज आर परफॉर्म बाय सेल्फ कंसप्शन। और इन्हें नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सारी क्रियाएँ सेल्फ कंसप्शन के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमें दी हैं जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के तहत आती हैं। पहला, टीचिंग बाय फादर टू हिज ओन सन एट होम, किसी अध्यापक द्वारा अपने बच्चे को घर पर पढ़ाना। डोमेस्टिक वर्क बाय द हाउस वाइफ, घर के जो भी काम हैं वो हाउस वाइफ द्वारा, गृहिणी द्वारा किए जाना। वॉशिंग ऑफ फादर्स कार बाय द सन, एक लड़के द्वारा, एक पुत्र द्वारा अपने पिता की कार को धोना। स्कॉलरशिप टू ए स्टूडेंट्स, तो ये सभी एग्जाम्पल हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वीमेन, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वीमेन इन द फैमिली। तो कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण हैं जिसकी वजह से परिवार के अंदर आदमी और औरत के बीच कामों को बांटा गया है। वीमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कॉल्स, औरतें जो हैं घरों के कामकाज करती हैं, एंड मैन वर्क इन द फील्ड, और आदमी खेतों में काम करता है। मेजोरिटी ऑफ देम कुक्स फूड, क्लीन यूटेंसिल, वॉशेस क्लॉथ्स, क्लीन द हाउस एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। तो औरतों के हिस्से में ज़्यादातर जो काम आते हैं, जो ज़्यादातर औरतें काम करती हैं, वो है खाना पकाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई और बच्चों की देखभाल। मैन कल्टिवेट द फील्ड, और आदमी खेतों में काम करता है या फैक्ट्री में काम करता है। सेल द प्रोड्यूस इन द मार्केट, और जो खेतों में पैदावार वो तैयार करता है उसे बाजार में बेचता है। एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली, और परिवार के लिए पैसा कमाता है। वीमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली, औरतें परिवार के लिए जो भी काम करती है उसके बदले उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। मैन अर्न मनी विच दे स्पेंड ऑन टू फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर फैमिली, आदमी जो पैसा कमाता है उससे परिवार की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। वीमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली, औरतें जो परिवार के लिए काम करती हैं उनके उसके बदले औरतों को कोई पैसा नहीं दिया जाता। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वीमेन इज़ नॉट रिकग्नाइज इन द नेशनल इनकम। तो जो भी घरेलू काम औरतों द्वारा किए जाते हैं उन्हें राष्ट्रीय आय में या देश की आय में शामिल नहीं किया जाता। वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, औरतों को काम के बदले पैसा तब मिलता है जब वो लेबर मार्केट में आती हैं या लेबर मार्केट में काम करती हैं। देयर अर्निंग लाइक डैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। तो ये जो एजुकेशन है ये मदद करता है हर एक व्यक्ति की, जो उसके सामने आर्थिक अवसर हैं उनका वो लाभ उठा सके। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। तो शिक्षा और कौशल ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इन्हीं के आधार पर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति बाजार में क्या कमाएगा, कितना कमाएगा वो निर्भर करता है। ए मेजोरिटी ऑफ वुमेन हैव मियर्स एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन।
ज़्यादातर औरतों के पास जो एजुकेशन है और स्किल है वो बहुत ही कम है, यानी कि औरतें बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। विमेन आर पेड लो एज़ कम्पेयर टू मैन, औरतों को आदमियों के मुकाबले जो पैसा दिया जाता है वो कम दिया जाता है। मोस्ट वीमेन वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर, ज़्यादातर औरतें असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं जहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, काम की सुरक्षा नहीं है। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मियर, तो ऐसे बहुत सारे दूसरे काम हैं जहाँ पर कोई लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं है, कोई कानूनी सुरक्षा भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज बाई इरेगुलर एंड लो इनकम, तो इन सेक्टर्स में काम करना, तो इसकी कुछ फीचर्स यहाँ पे दी हैं कि यहाँ पर जो काम होता है वो इरेगुलर होता है और जो इनकम यहाँ पर होती है वो भी बहुत कम होती है। इन दिस सेक्टर देर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो भी नहीं मिल पाती, जैसे मैटरनिटी लीव है ये भी नहीं मिल पाती, चाइल्ड केयर और अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, इन सब की कमी यहाँ पर होती है। हाउएवर वीमेन विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विद द मैन, वहीं जो औरतें ज़्यादा शिक्षित हैं उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है, पैसा वो दिया जाता है। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट द मोस्ट, ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ख़ास तौर से टीचिंग और मेडिसिन, टीचिंग लाइन और मेडिकल लाइन, ये औरतों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज, कुछ औरतें प्रशासन और दूसरी सेवाओं में भी शामिल हुई हैं। डैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन, और ये जो जॉब्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन की आवश्यकता पड़ती है। वी विल डिस्कस द चैप्टर फर्दर इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास, टिल देन स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।